कहते हैं प्यार अंधा होता है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। प्यार ना तो जाति धर्म देखती है, ना तो मजहब देखती है, और ना परिवार देखती है। बस दिल लगा और प्यार शुरू। इसीलिए कहा जाता है प्यार अंधा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र के अमरावती से एक ऐसी खबर आई है जो आप देखकर दंग रह जाइएगा। प्रेमी युगल आपस में शादी कर लिए और युवक अपनी प्रेमिका के साथ शादी करके अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद लड़की ने अपने पिता को फ़ोन कर बुलाया कि एक रस्म है पिताजी, मेरे ससुराल आइए। पिताजी अपने परिवार के साथ ससुराल पहुँच गए और लड़की भी खुश हो गई कि हमारे घर वाले आ गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला और वो नज़ारा आप भी देखकर दंग रह जाइएगा। तो देखिए इस नज़ारे को पहले क्या कुछ हो रहा है। हालांकि लड़की जो बयान दे रही है वो महाराष्ट्र भाषा है और जो भी पुलिस बयान दे रहे हैं महाराष्ट्र भाषा है, वो आपको हम समझा देंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। पहले तो आपने देखा कि इस लड़की ने अंतर जाति शादी करके घर तो चली आई, उनके माता पिता पहुँचे घर, लेकिन वो रस्म निभाने नहीं, अपनी बेटी को घसीटते हुए पीटते हुए अपने घर ले जाने आए थे। अपने घर भी ले गए और वहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। ड्रामे के बाद मामला पुलिस तक पहुँचा तो पुलिस ने कहा कि दोनों बालिक हैं, अपने मर्जी से शादी किए हैं, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। संविधान के तहत और आधार कार्ड के तहत और आज आर्य समाज मंदिर से जो शादी हुई थी वो पुख्ता सबूत के आधार पे दोनों प्रेमी की जीत हुई और दोनों फिर से अपने ससुराल में ही जाकर रहने लगे और खुशी से रहने लगे।